स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमने यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को 20 क्लासों में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहली क्लास के कुछ पॉइंट पहले से अपलोड कर चुके हैं। इस क्लास का अंतिम पॉइंट था जनसंख्या और नगरीकरण, जिसका पार्ट फर्स्ट भी आपको मिल चुका है। इसके पार्ट सेकेंड लेके हम आते हैं, जिसमें हमने रखा है साक्षरता और जनघनत्व और दश के वृद्धि, और थोड़ा सा पॉइंट हमने रखा है सार्क देशों से, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इनकी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी है और उनकी आयु कितनी है और साक्षरता कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम साक्षरता के बारे में। जैसा कि आपको पता है, भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक जो बच्चा पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर माना गया है। भारत में साक्षरता की दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं केरल, दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से गाँव आए, कौन कौन से राज्य आए? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, कल मेरे गांव त्रिपुरा चल, कल मेरे गांव त्रिपुरा चल। कल मतलब केरल, मेरे मतलब मिजोरम, गांव मतलब गोवा, त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा और चल मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हमें याद हुआ सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन कौन से हैं, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं आपके बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, नॉर्मल ट्रिक में याद करना चाहो कर सकते हो, कैसे? देखिए, अगर कल आए तो सर्वाधिक होगा और आगे आपके बिहार आए तो न्यूनतम होगा। तो मैंने बोला बिहार का अरुण रांझा है, मतलब रांझा का मतलब इसलिए लगे, रांझा लोग जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब न्यूनतम जानकारी होती है, इसलिए मैंने रांझा वर्ड दिया। तो बिहार का अरुण रांझा है, तो बिहार मतलब बिहार, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, रा मतलब राजस्थान, झा मतलब झारखंड, झा मतलब झार, आ मतलब आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि बिहार का अरुण रांझा है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये तो बात हुई सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। और हाँ, सर्वाधिक केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो वो है लक्षद्वीप और न्यूनतम है दादर नागर हवेली। सर्वाधिक साक्षरता किस में? लक्षद्वीप में, और न्यूनतम किस में है? दादर नागर हवेली में। अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता। सबसे पहले आते हैं हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पर। तो देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। बिल्कुल बस थोड़ा सा अंतर है, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं बिल्कुल वही राज्य हैं, सिर्फ इतना है उसमें केरल के बाद मिजोरम आता है, इसमें केरल के बाद लक्षद्वीप आता है, क्योंकि हमने इसमें सभी को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को भी जोड़ लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि सभी में सबसे ज़्यादा साक्षरता, पुरुष साक्षरता केरल में है, तो आप बता सकते हैं कि वही राज्य हैं केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इसके बाद आते हैं न्यूनतम। न्यूनतम में भी थोड़ा सा बदलाव है, जो न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य थे वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य हैं। जैसे अब तक मैंने बताया बिहार का अरुण रांझा है, बिहार का अरुण अंधा है मेघा झा के लिए, मतलब किसके लिए है? मेघा झा के लिए। बिहार का, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे हुई? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड में। तो हमें पता सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा में, और न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड में। अब बात करते हैं सर्वाधिक स्त्री साक्षरता, ये है सर्वाधिक होत केरल में, केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद गोवा। तो सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता कहाँ पर है? केरल में, केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद गोवा। अब बात करते हैं न्यूनतम स्त्री साक्षरता कहाँ पर है, वही है बिल्कुल बिहार का रांझा जम्मू उतर गया, तो बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर न्यूनतम साक्षरता? बिहार में, बिहार के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद उत्तर प्रदेश।
ये तो हुई सर्वाधिक स्त्री साक्षरता और ये हुई न्यूनतम स्त्री साक्षरता। लेकिन सबसे ज़्यादा पेपरों में आजकल पूछा जा रहा है ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता में अंतर सर्वाधिक है। तो ऐसा राज्य है सर्वाधिक राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है झारखंड और झारखंड के बाद आता है दादर नगर हवेली। ये तो हुआ कि सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता का अंतर। अब न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम है मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम या केरल और नागालैंड। तो हमने आपको साक्षरता के बारे में बताया कि 73% है, पुरुष साक्षरता 18.9 है, महिला साक्षरता 64.6% है, सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, उसके बाद आता मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मैंने बताया न्यूनतम साक्षरता बताया बिहार का वो रांझा है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित में मैंने आपको बताया सर्वाधिक लक्षद्वीप में, न्यूनतम दादर नगर हवेली में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड में। तो इसी तरीके से अब आज क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हें याद रखना है कि स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ट्रिक चाहो तो याद रख सकते हो रांझा दादा बन गया जम्मू में, मतलब रा से राजस्थान, झा से झारखंड, दा से दादर नगर और इसके बाद आता है जम्मू में, तो जम्मू कश्मीर। तो ये हुआ हमारा साक्षरता के बारे में। अब बात करते हैं हम धर्म आधारित जनगणना के बारे में। भारत में ये जनगणना 2001 में पहली बार हुई थी। उसके में इसमें हमने पाया कि जो भारत में कुल हिंदुओं की जनसंख्या है वो 79.8% है और मुस्लिमों की संख्या जो है वो 40.2% है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हिंदुओं की आबादी में जहां 0.7% कम हुई है वहीं मुस्लिमों की आबादी 0.8% बढ़ी है। इसी को आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। इसी प्रकार सर्वाधिक मुस्लिम वाला जो ओवरऑल है वो लक्षद्वीप है और न्यूनतम मिजोरम में है। वैसे राज्य की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात किस कौन सी जाति का है, वो ईसाइयों का और उसके बाद न्यूनतम है सिख जाति का। ये तो है हमारे नॉर्मल धर्म आधारित के बारे में, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, इतना कोई याद करने अभी कोई जरूरी नहीं। इसके बाद जनघनत्व, हमारे जो भारत का जनघनत्व है वो 382, कितना है 382। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, बिहार में, पश्चिम बंगाल और केरल में। सर्वाधिक कहाँ पर है, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है। यही पूछता है न्यूनतम वो कहाँ पर है और ज़्यादा कहाँ पर है। उसके बाद दशके वृद्धि की बात करते हैं। जैसा कि हमको ज्ञात है दशके जो वृद्धि हुई है 17.7% हुई है। सर्वाधिक दशके वृद्धि जो हुई है मेघालय में हुई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार और न्यूनतम जो हुई है वो नागालैंड में। सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, मेघालय और न्यूनतम नागालैंड में। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशके वृद्धि कहाँ पर हुई है, दादर नगर हवेली में और न्यूनतम हुई है लक्षद्वीप में। ये तो बात हुई हमारी भारत की जनसंख्या से संबंधित। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम नगरीकरण, विश्व और भारत, देखते हैं विश्व में भारत किस तरीके से अपनी एक योग्यता बनाए हुए हैं। सर्वाधिक नगरीकरण जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है सर्वाधिक नगरीकरण, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आता है उत्तरी अमरीका, फिर है लैटिन अमरीका एवं कैरिबियन। इसके बाद जो न्यूनतम नगरीकरण है वो अफ्रीका में है। जैसे कि हमको पता है विश्व जनसंख्या का जो नगरीकरण है वो है 52.1%, कितना है 52.1% और सर्वाधिक कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं इससे आगे एक पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में हुई है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो हुई है अफ्रीका महाद्वीप में और न्यूनतम हुई है यूरोप में। और विश्व जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो है 1.0%, कितना है 1.0%। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा, शंघाई जो पड़ता है चाइना में। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, भारत में है, लेकिन परसेंट वाइज कहाँ पर है वो, रवांडा, कहाँ पर, रवांडा। उसके बाद आता है भूटान। आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में ग्रामीण कौन से देश की है, तो वो है रवांडा की। उसके बाद आता है भूटान। अब हम देखते हैं सार्क देश। सार्क देश आपको जैसे पता है मालदीव, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरीके के 8 देशों से मिलकर बना है। तो देखते हैं सार्क देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है मालदीव में,
मालदीप के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद भूटान, उसके बाद भारत। इसका मतलब ये हुआ 7 देशों में नगरीय जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? मालदीप का। इसका मतलब ये हुआ भारत जो नगरीकरण में है पाकिस्तान और भूटान से भी पीछे है। अब देखते हैं मिनिमम जो नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है सार्क देशों में? तो सार्क देशों में जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के बाद मालदीव और मालदीव के बाद भारत। मतलब भारत में जो जनघनत्व है वो तीसरे स्थान पर है विश्व में, पहले सार्क देशों में, सॉरी सार्क देशों में। और पहले स्थान पर कौन है? बांग्लादेश। अब देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? भूटान में। और सार्क देशों में सर्वाधिक साक्षरता, मतलब जो ये 8 देश कंट्रीज हैं इनमें सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका और श्रीलंका के बाद भारत। मतलब साक्षरता में भारत का तीसरा स्थान है सार्क देशों में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? नेपाल, नेपाल के बाद भूटान। इसी के साथ हमारी पहली क्लास समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों से, वीडियो से जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के बाद हम लेके आएंगे आपको दूसरी क्लास। बाद में मिलते हैं आपको अपनी सेकंड क्लास में।